हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2π क्लासेस। कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का यहां पर हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो बच्चों तो 5.1 सॉल्व करने से पहले देखो यहां तो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। बट इसके पहले बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसका वीडियो अगर आप देख लोगे तो उसका सॉल्यूशन देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। सॉल्व तो मैं ऐसा ही करा दे रहा हूँ, इसको कोई इशू नहीं है। बट इसके पहले का जो वीडियो आया था, ठीक है ना, उसको आप लोग जरूर देखें। वहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था जो इसका इंट्रोडक्शन था 5.1 का। कहाँ मिलेगा? पिन कॉमेंट चेक करो। पिन कॉमेंट क्या होता है? जो कॉमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कॉमेंट बोलते हैं। रीड मोड पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, वहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th मैथमेटिक्स वाले लिंक पे। पूरा प्लेलिस्ट आपको ओपन होकर वहाँ पर आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक अगर आप देखोगे अपनी बुक में, तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, करेक्ट। यानी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 आयोटा इन द ब्रैकेट -3/5 आयोटा। तो करना कुछ नहीं है, देखिए नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, दैट इज सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में ना। तो देखो 5 × -3/5, ठीक है, ये तो रियल नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इंटू देखो एक आयोटा इधर है, एक आयोटा इधर है, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया आपका -3 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये सबको पता है, ठीक है। -3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1, ओके। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर इज व्हाट, +3। आप इसको ऐसे छोड़ना हो ऐसे छोड़ दो, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 0 आयोटा, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, करेक्ट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 + iota 0, करेक्ट। इसमें जो रियल पार्ट है 3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ऐड टू द पावर 9 + ऐड टू द पावर 19, ठीक है। आपको इसको अलग से इसको अलग से सॉल्व करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि आयोटा टू द पावर 9 कॉमन हो जाएगा। ये सुन लो भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 9। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आयोटा की पावर 9 इंटू 1 ही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा है भाई, इंटू में 1 कर सकते हो, प्लस आयोटा की पावर 19 को आप आयोटा की पावर 9 इंटू आयोटा की पावर क्या कर सकते हो, 10। ये सुन लो भाई, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 19 को हमने क्या लिख दिया, आयोटा द पावर 9 इंटू आयोटा द पावर 10। तो ये वाले ब्रैकेट में से आप देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आयोटा की पावर 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये लीजिए आयोटा द पावर 9 कॉमन हो गया। यहाँ बच गया क्या, फर्स्ट टर्म में बच गया, देखिए यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ पे आयोटा की पावर 9 बाहर चला गया, तो क्या बच गया, आयोटा द पावर 10। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा द पावर 10, इसको आप क्या करोगे, देखो आयोटा की पावर 9 को हमने बाहर कर दिया और 1 प्लस, अब देखो इसको क्या लिखोगे, आयोटा द पावर 4 × 2 + 2। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, करेक्ट। 4 × 2 = 8 + 2 = 10, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, ये हो गया 1 प्लस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसको आप लिख सकते हो आयोटा द पावर 4 × 2 × iota² यस और नो, क्योंकि बेस सेम है, वापस से पावर ऐड हो जाएगी। नो, ये हो जाएगा आयोटा द पावर 9 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब देखो आयोटा द पावर 4 के कितना होता है, याद है आपके, आपको पढ़ा है आयोटा द पावर 4 के कितना होता है, 1, जहाँ पर के क्या है, कोई इंटीजर है। तो ये देखो ये आयोटा की पावर 4 के टाइप का आ रहा है, यानी कि ये वाला वैल्यू 1 हो गया, 1 × iota² क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा की पावर 9 इन द ब्रैकेट, ये वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 × something 0, तो 0 × iota² कितना हो जाएगा, 0, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका आंसर 0 आ गया, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 0 + iota 0, ओके। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे करूँगा मैं, तो कैसे, आयोटा की पावर 9 और प्लस आयोटा की पावर 19, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, इसको 9 को क्या लिखेंगे, आयोटा द पावर 4 × 2 + 1 और प्लस आयोटा की पावर 19 को 4 × 3 क्या होता है, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो आयोटा की पावर 4 × 4 और प्लस 4 × 4 = 16 + 3, ऐसे करके कर सकते हो, क्या दिक्कत है, तब भी आंसर 0 ही आएगा, कैसे, ये देखो आयोटा की पावर 4 × 2 है ना, ये आयोटा की पावर 4 के टाइप है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो 1 × iota² बचेगा बस, और प्लस यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर 4 × 4 ये कितना हो जाएगा, 1, तो आयोटा की पावर 3 बचेगा, यानी कि 1 × iota³, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये बच गया आपके पास क्या, आयोटा, करेक्ट, और यहाँ बच गया आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, ये सुन लो आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा और यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा, तब भी आपका आंसर कितना आ गया, 0, विच कैन बी रिटन एज 0 + iota 0, ओके, कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आयोटा टू द पावर -39। देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप इसको एक काम कर सकते हो 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 39 भी लिख सकते हो। भाई ये 1 अपॉन में आएगा तो कैसा हो जाएगा, पावर पॉजिटिव है ना, पढ़ा है हम लोग ने। जैसे कि मान लीजिए क्या हो, कहीं पे हमने पढ़ा है कि जैसे छोटी क्लासेस में होता था, याद है ना आपको, मान लीजिए लिखा है 2 टू द पावर -64, तो इसको आप क्या लिखते हो 1 अपॉन 2 टू द पावर 64। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आयोटा की पावर -39 को 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 39 हम लिख सकते हैं, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 1 ऐसे ही रहेगा और नीचे देखिए आयोटा की पावर 39 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा द पावर 4 × 9 और प्लस 4 × 9 = 36 और प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन आयोटा द पावर, देखो 4 × 9 = 36 है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, 4 × 9 = 36 मत करो, ऐसे ही लिख दो ताकि ये आयोटा द पावर 4 के टाइप का दिखाई पड़े, इंटू आयोटा की पावर क्या आ जाएगा 3, ये चीज़ तो 1 हो जाएगी तो बचेगा क्या आयोटा की पावर 3। भाई ये क्या है, आयोटा की पावर 4 के टाइप का, वेयर के सम इंटीजर, आयोटा की पावर 4 के कितना होता है 1, ओके, सो इट विल कम 1 अपॉन, देखिए ये चीज़ तो 1 हो गई, 1 इंटू आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा, करेक्ट, ये लीजिए ठीक। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 हो गया, 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको आयोटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा से डिनोमिनेटर में, करेक्ट। नाउ आयोटा इंटू 1 आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस और आयोटा स्क्वायर, ये वाला माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा अपॉन माइनस ऐसे ही लगा रहेगा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 1 होता है, लीजिए माइनस 1 प्लस हो गया, यानी कि आयोटा अपॉन 1 यानी कि क्या हो गया, आयोटा हो गया, ठीक है ना। अब इस आयोटा को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 0 प्लस ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना ना, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो हो जाएगा 0 प्लस आयोटा और बी की जगह क्या आ जाएगा 1, रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट 1, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आयोटा जैसा, ठीक है ना। चलो अब कुछ बच्चे इसको ऐसे कर रहे होंगे, कोई बात नहीं ऐसे कर लो आप, देखो क्या करोगे, इसको आप माइनस, इसको आप कर सकते हो क्या 4 × -9, ठीक है, ये -36 हो गया और माइनस कितना हो जाएगा 3, ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि देखो आयोटा की पावर 4 के हमेशा 1 होता है, कि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे देखिए आयोटा आयोटा की पावर क्या हो गया 4 और के की वैल्यू क्या है -9 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो ये चीज़ पूरी कितनी हो जाएगी 1, पहले तो इसको लिखना सीखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 × -9 × आयोटा की पावर -3, क्योंकि बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो गया ऐसा आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। ये चीज़ हो गई 1, बिकॉज आयोटा की पावर 4 के, तो 1 इंटू क्या हो गया यहाँ पर आयोटा की पावर -3, करेक्ट। तो 1 इंटू आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -3, अब इसको आप क्या लिखोगे 1 अपॉन आयोटा क्यू, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप 1 अपॉन, देखो आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा के बाद क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे, सो आयोटा इंटू 1 आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 - प्लस, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आयोटा, ओके कर लीजिए। पर 4 बच्चों, चलिए 3 × (7+iota)7+iota) 7+iota)7, 3 × 7 = 21, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपली सिंपल सिंपलीफाई कर लो, जैसे आप कैलकुलेशन एलजेब्रिक कैलकुलेशन करते हो वैसे ही, 3 × 7 = 21, और देखो 3 पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव है, प्लस 3 × 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि आयोटा 21, जिसको आप 21 आयोटा भी लिख सकते हो, 21 आयोटा, फिर ये वाला पॉजिटिव यहाँ कॉपी कर लिया, i × 7 = 7 आयोटा, फिर प्लस तो प्लस हो गया, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और साथ में क्या बचा 7, यानी कि 7 आयोटा आयोटा स्क्वायर इंटू 7, इस तरीके से, करेक्ट। नाउ अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ये हो गया आपके पास 27, करेक्ट, और देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, है ना, होता है कि नहीं होता है, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो -1 × 7 यहाँ आ जाएगा -7, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कितना -7, ठीक, यानी कि 27 के पास ये जाएगा -7, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के पास आयोटा है, ऐड कर दो 21 + 7 कितना होता है 28 आयोटा, करेक्ट, और 27 - 7 कितना होता है 20, करेक्ट, तो 20 + 28 आयोटा, ये इस तरीके से कुछ आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे बच्चों कुछ गड़बड़ हो रही है, देखिए गड़बड़ ये हो रही है, 3 × 7 कितना होता है 21 होता है ना, गलती से मैंने 27 लिख दिया, तो ये 21 है और ये 21 है, और 21 में से 7 माइनस करोगे तो 14 आएगा यहाँ पर, करेक्ट, तो 14 + 28 आयोटा इज योर फाइनल आंसर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 14 + iota को पहले लिख दो फिर 28 लिख दो, बिकॉज हमको उन्होंने क्या बोला है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लाने के लिए, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 1 - iota
ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, वन माइनस आयोटा यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वन, और माइनस प्लस माइनस आयोटा सिक्स, करेक्ट। नाउ अब आप देखो ये वन है और ये वन प्लस वन कितना हो गया टू, और माइनस आयोटा सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस आयोटा सेवन, दिस इज योर फाइनल आंसर। भाई चेक करो ना, यहाँ आयोटा के आगे क्या है माइनस वन है, ठीक, तो माइनस वन और माइनस सिक्स क्या होता है माइनस सेवन ही तो होता है, तो माइनस सेवन आयोटा या फिर माइनस आयोटा सेवन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे टू माइनस सेवन आयोटा, ओके कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, यहाँ से हो जाएगा ये वन बाय फाइव प्लस आयोटा टू बाय फाइव, और देखो माइनस प्लस माइनस फोर माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस आयोटा फाइव बाय टू, ठीक है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो वन अपॉइंट फाइव और माइनस फोर को पास पास ले आओ, वन बाय फाइव और माइनस फोर, और क्या बचा आपके पास प्लस आयोटा टू बाय फाइव और माइनस आयोटा फाइव बाय टू, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करोगे देखो, इन दोनों को एक साथ कर लो और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, करेक्ट। तो देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व, यहाँ से हो जाएगा फाइव फोर था ट्वेंटी और माइनस वन माइनस ट्वेंटी माइनस नाइनटीन, ठीक है ना, अपॉन फाइव और प्लस यहाँ पे देखिए फाइव टू जर टेन, एलसीएम आ जाएगा आपके पास टेन, करेक्ट। और आयोटा को आप बाहर ही लिख दो ऐसे, ठीक है ना, आयोटा कॉमन हो जाएगा ना, आयोटा कॉमन होकर बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ये देखो टू बाय फाइव माइनस फाइव बाय टू, इसको आप सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा माइनस नाइनटीन बाय फाइव प्लस आयोटा इन द ब्रैकेट फाइव टू जर टेन, ये इधर जाएगा टू टू जर फोर, फोर माइनस फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव, करेक्ट। तो 4 माइनस ट्वेंटी फाइव, करेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन, सो द आंसर विल बी माइनस नाइनटीन बाय फाइव और प्लस आयोटा इन द ब्रैकेट माइनस ट्वेंटी वन बाय टेन, करेक्ट। ऐसा देख सकते हो आप, इस माइनस को बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उन्होंने क्या पूछा था a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, है ना, ताकि आप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ प्लस होता है ना, तो यहाँ पे इसलिए प्लस लिया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि a का वैल्यू कितना है माइनस नाइनटीन बाय फाइव और b का वैल्यू कितना है माइनस ट्वेंटी वन बाय टेन, करेक्ट, कर लीजिए। लिखने को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना, कभी कभी आप देखोगे ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा 21 बाय 10, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बहुत तरीके से लिख सकते हो, सारा इंट्रोडक्शन में बताया, माइनस 19 बाय 5 माइनस 21 बाय 10 आयोटा, आयोटा को पीछे लिख दो ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है, 1 बाय 3 प्लस आयोटा 7 बाय 3 और प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 1 बाय 3, तो ये एक ब्रैकेट में लिखा है, पहले इसको सॉल्व कर लो और जो भी आंसर आएगा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, करेक्ट। चलो तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा 1 बाय 3 और प्लस आयोटा 7 बाय 3, करेक्ट, और प्लस देखो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज बाहर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता है ना, 4 और प्लस आयोटा 1 बाय 3, ये वाले ब्रैकेट की बात तो ये रही, इसको आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, करेक्ट, और लगे हाथ इसको भी ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 बाय 3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, करेक्ट। चलो इसको सॉल्व करो, देखो 1 बाय 3 और प्लस 4 पास पास ले आइए इसको, तो 1 बाय 3 और प्लस 4 इसको आप पास पास ले आइए, जो रियल पार्ट्स हैं और इमेजनरी पार्ट को पास पास ले आइए, तो यहाँ पे देखिए प्लस आयोटा 7 बाय 3 और प्लस आयोटा 1 बाय 3, करेक्ट, ये लीजिए, और प्लस में 4 बाय 3 माइनस आयोटा, करेक्ट। अब देखो यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी आयोटा, आयोटा कॉमन ले लो, तो यहाँ से आयोटा हमने क्या किया कॉमन ले लिया, करेक्ट। नाउ ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3, 7 प्लस 1 8, 8 बाय 3 आयोटा, है ना, और यहाँ से हो जाएगा 3, 4 12 प्लस 1 13, 13 बाय 3 और प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा 3 और 3 का एलसीएम 3, तो 8 बाय 3 ऐसा हो गया, करेक्ट। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऐसा आ गया, और साथ में क्या लिखा है प्लस 4 बाय 3 माइनस आयोटा, करेक्ट। नाउ अब आप देख सकते हो 13 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 कितना हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 13 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 17 बाय 3, ठीक है, और प्लस और ये वाला देखो और ये वाला, है ना, यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 8 बाय 3 और माइनस का, ये देखो माइनस आयोटा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, ये लीजिए, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 17 बाय 3 और प्लस 3 वन सा 3 8 माइनस 3 5 बाय 3, यानी कि आयोटा इंटू 5 बाय 3, करेक्ट। तो 17 बाय 3 प्लस आयोटा 5 बाय 3, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके कर लीजिए।